नमस्कार। तो अभी तक आपने कहानियों के बारे में दो वीडियो देखे हैं। जरा आप याद कीजिए कि देवयानी जी व सुभाष जी ने उन दोनों वीडियो में क्या क्या खास बातें की हैं। याद आया? देवयानी जी ने कहा था कि जब वो बच्चों को कहानी सुना देती हैं, उसके बाद वो उस कहानी पर खूब बातें करती हैं। ये बातें बच्चों की समझदारी बढ़ाती है और बोलने और सुनने की ताकत को बढ़ाती है। ऐसी बातचीत रोजाना होने वाली बातों में नहीं हो पाती। कहानी पर होने वाली बातचीत से भाषा खुलती जाती है। बच्चे खूब सारे नए शब्द सीखते हैं और भाषा की लय पकड़ पाते हैं। इनका ये भी कहना था कि प्री स्कूल यानी आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को खूब सारी कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुभाष जी ने कहा था कि कहानियां सुनने से बच्चे ध्यान से सुनना सीखते हैं। आगे क्या होगा वो मन में सोचते रहते हैं और ऐसा करने से बच्चों की अंदाज़ा लगाने की क्षमता बढ़ती है, जो जिंदगी भर खूब काम आती है। ये जो बातें सुभाष जी ने कही थी, इन्हीं बातों को दूसरे वीडियो में देवयानी जी ने भी कहा था। और उन्होंने कहा था कि कहानी में तरह तरह के पात्र होते हैं, जो पात्र बच्चों को अच्छे लगते हैं उनसे उनका रिश्ता बन जाता है। अच्छे पात्रों के अच्छे गुण बच्चों में भी आने लगते हैं और ऐसे ही वो अच्छे इंसान बनने लगते हैं, वो संवेदनशील हो जाते हैं। कहानी के पात्र और घटनाएं अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने लगते हैं और ऐसे ही बच्चों में ये क्षमता आ जाती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों व घटनाओं को ध्यान से देखने लग जाते हैं। ध्यान से देखते हैं तो सोचना समझना भी तेजी से सीखते हैं। सुभाष जी ने एक और नई बात कही थी कि कहानियां सुनने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों को कैसी कहानियां सुनाए, इस प्रश्न के जवाब में देवयानी जी ने कहा था कि बच्चों को खूब जाने, वो क्या सुनना चाहते हैं। छोटे बच्चों को झितरिया जैसी कहानी और बड़े बच्चों को लोक कथाएं अच्छी लगती हैं। कहानी ऐसी चुने कि जो रोचक हो, बच्चे की उत्सुकता बनी रहे। बीच बीच में गीत कविता वाली कहानी भी बच्चों को भाती है। सुभाष जी बच्चों को वो कहानियां सुनाते थे जो उन्होंने अपनी माँ से सुनी थी। आप भी अपने बचपन की कहानियां याद कर सकते हैं और फिर बच्चों को सुना सकते हैं। सुभाष जी ने ये भी कहा था कि बच्चों को जानवरों वाले पात्रों की कहानियां अच्छी लगती हैं। आप इन बातों पर विचार कर सकते हैं। आज हम दो प्रश्नों पर बात करेंगे। एक, कहानियां सुनाने के तरीके कैसे हों। दो, कहानियां सुनाना आपको कैसा लगता है। कहानियां सुनाना आपको कैसा लगता है? मुझे कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने असल में बच्चों के साथ में तो कहानियां सुनाई ही। कई बार जब टीचर्स के साथ में हम काम करते हैं तो टीचर्स के ग्रुप्स में कहानियां सुनाई और मैंने देखा कि ऐसे ग्रुप्स जो कि अदरवाइज जिनको बाहर जाने की और बीच बीच में किसी तरह से सवाल पूछने की या किसी तरह का कोई ना कोई एक व्यवधान उत्पन्न करने की भी प्रवृत्ति कई बार रहती है, लेकिन जब कहानी सुनाते हैं और 40 मिनट की कहानी है और 40-50 लोगों का समूह है, लेकिन वो जिस उत्सुकता से कहानी को सुनते हैं कि वो कहानी सुनने के दौरान तो एक पूरा, ये बच्चों के साथ में भी अनुभव रहा और ये बड़ों के साथ में भी, कि वो पूरा उस समय उनका पूरा ध्यान उस पर एकाग्र होता है। बड़ों के लिए निश्चित रूप से आप जब कहानी सुनते हो तो आपको थोड़ी और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ कहानियाँ खासतौर से बच्चों बड़ों सबको एक तरह से इंगेज करती हैं और सुनाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है कहानी सुनाना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, सच में ये है ही, होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो कहानियाँ सुनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप कौन से तरीके से कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, कौन सा तरीका अपनाते थे? हाँ, तो जैसे मुझको खुद को भी कहानियाँ सुनाना मतलब अच्छा लगता था, बच्चों को सुनना तो अच्छा लगता ही था। कहानी सुनाने को लेकर मैंने एक तरीका जो उस समय पर मैं बच्चों के साथ करता था कि कहानी में जो पात्र होते थे
वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा आवाज़ को भी वैसे करता था, है ना, कि शेर इस तरह से वहाँ से निकला और तभी सामने अंधेरा हो गया था, तो वो एक डर जैसा जो मतलब उसको महसूस किया जा सकता था, तो मैं थोड़ा आवाज़ों में भी बदलाव करता था। और एक मैं किताब बच्चों को देता था, तो बच्चे खुद से उन चित्रों को देखकर थोड़ा सा उसको थोड़ा रोमांचित होते थे और उसका आनंद ले पाते थे, तो इस तरह से मैं सुनाता था। कहानियाँ सुनाते थे आप, तो कहानियाँ सुनाने आपको कैसा लगता था? हाँ, कहानियाँ सुनाता था जब मैं बच्चों को, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि शायद मुझे खुद को भी कहानी सुनाना बहुत अच्छा लग रहा है, इस वजह से भी मैं कहानी सुनाता था। तो कहानी सुनाने के दौरान मैं जैसे कई घटनाओं पे अपने आप को जब भी दोबारा सुनाता या तीसरी बार सुनाता, तो थोड़ा और ज़्यादा उसको अच्छे से सुनाता, खूब इंटरेस्टिंग तरीके से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उस समय।